Dear students, so today class we are going to study about summing amplifier or it is also named adder using op-amp. So operation amplifier का एक applications है जिसको बोलते हैं summing amplifier और adder, यानी कि op-amp का use करके हम लोग adder या summer कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग आज की class में पढ़ने वाले हैं. And then after ये टॉपिक जो है वो हमें पता है कि इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक पार्ट है. और मेरा नाम हरि मोहन राय, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडे टॉपिक. लेट अस बिगिन विद. सो इन टुडे लेक्चर विल स्टार्ट द एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी कि इन शॉर्ट op-amp. तो एक्चुअली देर आर मेनी एप्लीकेशंस, बट एज पर आवर सिलेबस हमें कुछ मेनली चार एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है. और वो एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं. सो देर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ op-amp, बट many applications of operational amplifier, few of them are, जिसमें से कि कुछ जो है, few of them are, कौन कौन से? पहला adder, जिसको कि हम लोग summing amplifier भी बोलते हैं, adder. दूसरा subtractor. तीसरा हम लोग बोलते हैं integrator. और चौथा जो है वो है डिफरेंशिएटर. ओके, सो इन्हीं चार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. तो बट आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडर से. एडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में. तो एडर और समिंग एम्पलीफायर हैव टू पार्ट्स. इसके भी दो हो सकते हैं. एडर हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दो इनपुट्स की, दो टाइप के ऑपरेशन एम्पलीफायर की जरूरत होगी. कौन कौन से? एक तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमने इनपुट, यानी कि एक से ज्यादा इनपुट अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे प्रोवाइड किया तो कहलाएगा इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, isn't it? तो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर हो गया. और अगर हमने एक से ज्यादा इनपुट हमने प्रोवाइड किया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तो क्या कहलाएगा? नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर. क्लियर? Non-inverting summing amplifier. So यही इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है और वही हम लोग देखेंगे स्टेप बाई स्टेप. लेट अस बिगिन. सो फर्स्ट वन इज, पहला यानी कि 1A मैं बोलता हूँ इसे, और इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग, यानी कि इन्वर्टिंग से स्टार्ट करते हैं. तो यह है इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर. ओके, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर. सेम प्रोसेस जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये किया था उसी तरीके से इसमें भी फॉलो करेंगे. यानी कि अगर ये एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है या अगर हमें इसको एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है तो दोनों में हम फॉलो करेंगे स्टेप्स. पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफिनेशन से. इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे अपने वर्ड्स में. चूंकि ये एक से ज्यादा इनपुट ये करता है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे द इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर. The inverting summing amplifier is an op-amp. ये एक टाइप का op-amp है. Where is an operational amplifier? That means op-amp which produces, yeah, which produces some amplified. That is in another word, amplified and inverted, amplified sum of, we can write it now here, amplified sum, yani ki hamara kya hoga, amplified hoke ya sum hoke ye aayega, amplified sum of more than one inputs and in inverted form. That means inverted form का मतलब क्या है? 180 degree out of phase में. Clear है?
यानी कि सिंपल वर्ड में हमने बोला कि इनवर्टिंग और समिंग एम्पलीफायर क्या है, एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है विच प्रोड्यूसेस एम्पलीफाइड सम ऑफ मोर देन वन इनपुट्स एंड इन इनवर्टेड फॉर्म, यानी कि इनवर्टेड फॉर्म में ये प्रोवाइड करता है, सिंपल ये। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या फॉलो करते हैं, हम लोग सेकेंड स्टेप में लिखते हैं सर्किट डायग्राम। तो इन सर्किट डायग्राम लेट अस सी व्हाट द सर्किट इज। तो हमें पता है कि मोर देन वन इनपुट इफ यू प्रोवाइड लाइक दिस, दैट मींस हियर माइनस प्लस, द स्ट्रक्चर इज एज यूजुअल। अगर हमें इन्वर्टिंग का स्ट्रक्चर बनाया था क्या था, ये एक हो गया, इसके बाद ये हमारा फीडबैक एम्पलीफायर हो गया और यहाँ से हम लोग लेते थे आउटपुट। क्योंकि एक से ज्यादा इनपुट हमें प्रोवाइड करना है तो क्या करेंगे, इसको इसको हम देंगे वी वन आर वन, दूसरे टर्मिनल पे वी टू आर टू लाइक दिस, वी टू आर टू मतलब दूसरा दूसरा इनपुट एंड दूसरा रेसिस्टेंस, फिर वी थ्री आर थ्री, इसी ऑर्डर में। जैसे हमने वी वन ले लिया तो दूसरा हमारा क्या हो गया, वी टू हो गया, एंड एक और अगर चाहे तो ले सकते हैं, दैट इज नथिंग बट वी थ्री। ओके, सो थ्री इनपुट एंड थ्री रेसिस्टेंसेज, बट प्लस वन इज दिस वन इज नथिंग बट ग्राउंड। ओके, अगेन हियर एज वी नो दैट करेंट फ्लो एंड ऑल दोस थिंग्स विल पुट आउट हियर, बट हम सर्किट डायग्राम के बारे में दो तीन लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है, वी कैन सी दैट दैट मोर देन इन दिस केस मोर देन वन इनपुट, मोर देन वन इनपुट्स, मोर देन वन इनपुट मीन्स दैट दैट इज थ्री इनपुट्स वी वन कॉमा वी टू एंड वी थ्री इज गिवन टू द इनवर्टिंग टर्मिनल टू द, क्योंकि इनवर्टिंग एम्पलीफायर की बात करें इनवर्टिंग समिंग, तो टू द इनवर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड, क्लियर। एंड द सेकेंड टर्म्स में इसके बाद कुछ रेसिस्टेंस के बारे में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो व्हाट इज अबाउट रेसिस्टेंसेज, तो देयर आर थ्री रेसिस्टेंसेज, दैट इज द रेसिस्टेंसेज, रेसिस्टेंसेज आर वन आर टू एंड आर थ्री। रेजिस्टेंस कितने हैं, आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर, दैट वी कॉल आर वन आर टू आर थ्री एंड आर एफ आर कनेक्टेड विथ इन इनवर्टिंग टर्मिनल इटसेल्फ, कनेक्टेड विथ इनवर्टिंग टर्मिनल एंड टर्मिनल एज शोन इन द इनवर्टिंग टर्मिनल एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, है ना, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे यानी कि जो हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे वो एज इट इज स्टेप फॉलो करेंगे जो बाकी का फॉलो करते हैं, यानी कि पहले डिफाइन करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में एक दो लाइन लिखेंगे और फिर इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। सो वी कैन सी दैट हियर वी वन वी टू वी थ्री, सो एज यू हैव वी वन सो करेंट विल ऑल्सो फ्लो आई वन, वी टू एज्यूम दैट आई टू इज फ्लोइंग एंड वी थ्री एंड करेंट इज फ्लोइंग आई थ्री। दिस टर्मिनल अगेन वी आर एज्यूमिंग ऑलवेज दैट इज वन टर्मिनल इज ए एंड अनदर टर्मिनल इज बी। ओके, एज वी नो दैट इन साइड दिस देर इज नो करेंट फ्लो, कोई करेंट फ्लो नहीं होता है, और यहाँ पे हमने आर एफ रखा हुआ है जो कि फीडबैक रेसिस्टेंस है। ओके, सो नाउ वी कैन सॉल्व इट आउट बाय गिविंग द एक्सप्रेशन ऑफ इट। सो हियर इन केस ऑफ एक्सप्रेशन, दैट मींस एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, हाउ वी आर गोइंग टू स्टेप, सो सिर्फ दो चीजों का हमें ध्यान रखना है, एक तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एंड इन साइड द ऑप एम्प देयर इज नो करंट फ्लो एट ऑल, सो एंड देन आफ्टर केवीएल केसीएल इज ओनली अप्लाइड। इसके अलावा हमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। तो इन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो हियर फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, क्यों ग्राउंड कॉन्सेप्ट, बिकॉज इन नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड, सो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट द पोटेंशियल एट बी वी बी is same is equal to potential at A is equal to zero, equation number one. And second step mein what we'll do, we'll apply the KCL to node A. So let us see here, we are going to apply KCL at node A. What we'll get? So if we check at node A, apply KCL, Kirchhoff's current law at node A, क्या होगा, कितने इनकमिंग करंट है I1, I2, I3,
कितना आउटगोइंग करंट है, ओनली वन, दैट इज आई एफ, इजंट इट? सो वी कैन राइट इट आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू आई एफ, बिकॉज जहां पे करंट डिविजन होना था इधर कोई करंट नहीं जा रही, तो जितना भी इनकमिंग है वही आउटगोइंग हो जाएगी. इक्वेशन नंबर टू. नाउ व्हाट इज आई वन? आई वन कहां से कहां की बीच में फ्लो रही है? V1 to VA. तो we can write it out, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, apply कर सकते हैं Ohm's law, that means V by R. So V1 minus VA, V दो voltage हो गया, divide by R1 plus I2 V2 minus VA divide by R2. What about I3? V3 minus VA divide by R3 and IF क्या हो गया? यानी कि ये दिस करंट, ये A से लेके V नॉट के बीच में, सो इट इज इक्वल टू VA माइनस V0 यानी कि V नॉट डिवाइड बाय RF. नाउ अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट कि VA की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि ये ग्राउंडेड है BB, तो VA 0, देन दिस इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, चेक करें, becomes ये हो जाएगा V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3 is equal to minus V0 by RF. What we wanted to find out? हमें V0 यानी कि output की expression निकालना है. तो output की value कितनी हो जाएगी यहाँ पे? V output is equal to minus RF will be multiplied here. Minus RF V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3. This is the complete output voltage of summing amplifier, inverting summing, क्योंकि minus आ रहा है बाद में, लेकिन इसको थोड़ा सा simplified अगर हम कर दें ताकि ये minus बाहर निकाल लें और इसको इससे सबसे multiply कर दें, तो क्या हो जाएगा? RF by R1 into V1 plus RF by R2 into V2 plus RF by R3 into V3. Now see, अगर आप इसको कंपेयर करोगे दिस इक्वेशंस को, आपको पता चलेगा कि इक्वेशन एग्जैक्टली सिमिलर है टू द इक्वेशन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ वन इनपुट, यानी कि एक इनपुट में क्या आता था, माइनस आरएफ बाय आर1 इनटू वी1, दो इनपुट में माइनस बाहर कॉमन ले लिया हमने, आरएफ बाय आर1 इनटू वी1 माइनस आरएफ बाय आर2 इनटू वी2, यानी कि माइनस कॉमन ले लिया तो यहां प्लस हो गया, तीन इनपुट में आरएफ1 बाय आर1 वी1 प्लस आरएफ बाय आर2 इनटू वी2 प्लस RF by R3 into V3. चार में जाओगे तो प्लस RF by R4 into V4. इस तरीके से ऐड होते जाएगा. अब इसमें क्या है कि हम ये तो मेन ये आउटपुट आ गया, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए इक्वेशन नंबर 3. अगर हम इसके कुछ केसेस करें कि मतलब अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को एग्जांपल के लिए वी कैन पुट आउट हियर केस 1. इन केस 1 अभी क्या है, अगर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इक्वल टू R रखते हैं, क्या इक्वेशन है हमारा आउटपुट का? सो आउटपुट इक्वेशन इज नथिंग बट वी हैव V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF डिवाइड बाय R1 इनटू V1 प्लस RF डिवाइड बाय R2 इनटू V2 प्लस RF डिवाइड बाय R3 इनटू V3. अब इसमें सब को हमने R1 R2 R3 को हमने R के बराबर मान लिया और यहां पे RF कॉमन है, तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस RF डिवाइड बाय R और ये हो जाएगा V1 plus V2 plus V3, यानी कि तीनों के सम के ये एम्पलीफाइड वर्जन के बराबर मिलेगा. दिस विल बी योर केस 1. अगर हमने तीनों रेजिस्टेंस को बराबर कर दिया R1 R2 R3 को, तो यू विल बी गेटिंग दिस आउटपुट. अगर हम दूसरा केस लें, केस 2 के केस में, केस 2 की अगर हमने सब को बराबर कर दिया, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू RF इज इक्वल टू R, then what will happen? See this equation. अब इस equation में अगर हमने ये सब को बराबर कर दिया, RF भी RF के बराबर हो गया, तो क्या मिलेगा? So V output is equal to minus ये RF by R, R cancel out हो गया और मिला V1 plus V2 plus V3 exactly inverted sum, बिना amplify होके सिर्फ inverted sum मिला. Okay? अगर मैं आपसे बोलूं या कोई आपसे पूछे कि भाई आप averaging amplifier बनाइए, यानी कि averaging amplifier है ना, एवरेज करने वाला, तो क्या करेंगे आप? तो एवरेजिंग में अगर सिर्फ एवरेजिंग करनी है तो यहां पे आ जाएगा केस नंबर 3, यानी कि यहां तक फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, थर्ड केस लेंगे और क्या लिखेंगे केस में, हमारा R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to, अगर आपके पास तीन इनपुट है
तो 3RF के बराबर हो जाएगा, 4 है तो 4RF के बराबर आ जाएगा, 2 है तो 2RF के बराबर हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन फ्रॉम इक्वेशन दिस वन, यू कैन चेक यहां से, ये इक्वेशन नंबर 3 के बाद 4, ये इक्वेशन नंबर 5. सो फ्रॉम इक्वेशन 4 व्हाट वी कैन डू हियर, RF एज इट इज, बट यहाँ पे R1, R2, R3 किसके बराबर हो गया, 3RF के बराबर. सो वी कैन पुट आउट ऑर्डर, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF डिवाइड बाई 3RF इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अब अगर मैं RF कैंसिल कर दूं तो ये एवरेजिंग और एम्पलीफायर क्या मिला आपको, माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, और डिवाइड बाई ये 3 है 1/3. So this is your averaging amplifier, inverted averaging amplifier. So this is about inverting summing. क्या किया हमने? Inverting summing के केस में एक से ज्यादा इनपुट हमने inverting terminal पे दिया था. Okay? अब अगर यही question को मैं इस तरीके से करूं कि नहीं, मुझे non-inverting summing बनाना है, non-inverting summing amplifier. तो क्या करेंगे आप? तो non-inverting summing amplifier के केस में आप एक से ज्यादा जो इनपुट होगा वो किस पे देंगे, नॉन इनवर्टिंग पे, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पे. ओके, सो नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के केस में लेट अस सी हाउ. तो अब सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन कर लें, इसके बाद इसका डिफिनेशन क्या होगा. इसमें डिफाइन अगर हम करते हैं इसको डिफिनेशंस में कि सिमिलर वे में, बट इसमें क्या होगा, इनवर्टेड ना के नॉन इनवर्टेड आउटपुट आएगा. यानी कि द इन नॉन इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर क्या कहलाएगा, non-inverting summing amplifier, ये भी एक output का यानी कि op-amp का type है. okay, so amplifier is a type of op-amp, is an op-amp, एक operational amplifier है जो क्या करता है, which produces output which is the sum of more than one input, more than one inputs with same phase, मतलब non-inverted, बिना inverted, यानी कि non-inverted, same phase में आपको output मिलता है. क्लियर है? So इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि इसके बाद next step में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फॉलो करेंगे, दैट विल बी नथिंग बट सर्किट डायग्राम. इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा और हम इसके बारे में भी एक दो तीन पॉइंट में हम लोग लिखेंगे. बट यहाँ पे याद रखना, हमें पॉइंट वाइज लिखना है हमेशा. अगर एक से ज्यादा लिखना, कभी भी पैराग्राफ के टर्म्स में नहीं, हम पॉइंट में लिखेंगे, सो दैट इट विल बी इजी फॉर एग्जामिनर टू रीड इट आउट. सो यहाँ पे स्ट्रक्चर विल बी सेम, माइनस प्लस, बट यू नो दैट कि आपका जो R1 एंड RF, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, तो एज इट इज रहेगा. यहाँ पे RF और R1, कौन सा एम्पलीफायर बना रहे हैं आप, नॉन इनवर्टिंग, तो इनपुट कहाँ पे जाएगा, प्लस टर्मिनल पे. सो ये वाला टर्मिनल जो हो गया वो आपके ग्राउंडेड हो गए, और ये प्लस टर्मिनल पे, यानी कि एक से ज्यादा इनपुट देना है, तो एक से ज्यादा इनपुट देने के लिए आपको रेसिस्टेंस के साथ आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पे आपने दे दिया, मान लीजिए इसको VX, इसको कर दिया आपने VY, और जब आपने VX दिया तो मैं इसको भी नाम देता हूँ RX, RY, और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी उसको भी हम नाम दे देते हैं कुछ IX एंड IY. ओके, ये हो गया IX एंड IY. सो टर्मिनल नंबर ए, दिस इज टर्मिनल नंबर बी, AB, एंड वी नो दैट इनसाइड दिस देयर इज नो करंट फ्लो, इसके अंदर में कोई करंट फ्लो नहीं होती है. ओके, एंड सेम स्ट्रक्चर विल फॉलो. तो हम इसके स्टेप्स में क्या लिखेंगे, पहला फर्स्ट में ये क्या है, द more than one input is provided to the non-inverting terminal. यानी कि एक से ज्यादा हमने more than one input, कौन कौन सा, more than one input, V1, VX and VY, यहाँ पे नाम दे दिया हमने, is provided to non-inverting terminal, लेकिन you know, non-inverting terminal पे हमने provide किया है, but what about inverting terminal? And inverting terminal is grounded, isn't it?
सो इस केस में इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड. सो दिस इज ये हो गया, ग्राउंडेड हो गया. व्हाट अबाउट सेकेंड स्टेप? अब जो रेसिस्टेंसेज इसमें लगे हुए हैं, दैट मीन्स रेसिस्टेंसेज आर एक्स एंड आर वाई आर कनेक्टेड विथ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स एंड रेसिस्टेंस आर वन एंड आर एफ आर कनेक्टेड विथ किसके साथ? इन्वर्टिंग टर्मिनल एज शोन इन द यानी कि जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया हुआ है. ठीक है, डायग्राम. सो दिस इज अबाउट सर्किट डायग्राम. अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? सो इन थर्ड स्टेप वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट, यानी कि एक्सपुट का हम यहाँ पे देखते हैं. और यहाँ भी सिमिलर स्टेप हम फॉलो अप करेंगे जैसे कि हम पिछले वाले सारे स्टेप्स में करते जाएंगे. तो पहला स्टेप क्या होता था? फ्रॉम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वी बी वोल्टेज एज पोटेंशियल बी विल बी इक्वल टू वोल्टेज एज पोटेंशियल ए, बट आई डोंट नो वट इज द पोटेंशियल एट बी, बिकॉज यहाँ पे दो हमने ये दे रखा है वी एक्स एंड वी वाई. सो एक से ज्यादा हमने इनपुट दे रखा है पॉजिटिव पोटेंशियल पे, यानी कि नॉन इन्वर्टेड पोटेंशियल पे. तो यहाँ पे पोटेंशियल मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आफ्टर वी कैन अप्लाई. बट द सेकेंड स्टेप में क्या करते थे? अप्लाई केसीएल एट नोड ए. सो नोड ए पे आप केसीएल निकालोगे तो क्या आएगा? देखो, यू मे बी कंफ्यूज विद द डायरेक्शन ऑफ आई वन एंड आई एफ, नो इश्यू एट ऑल. एक डायरेक्शन क्या करना है आपको, सिंपल वर्ड में बता दूं, किसी एक डायरेक्शन लेना है, या तो दोनों एक बाहर की तरफ जाते हुए या दोनों अंदर की तरफ जाते हुए. और हमें पता है कि इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है. ठीक है, तो या तो आप अगर इस डायरेक्शन में लोगे तो ये आई एफ इधर हो जाएगा, आई वन इधर हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में, तो इसलिए कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई वन इज इक्वल टू हमने ले लिया, आई वन इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग हो गया यहाँ पे, और ये इक्वेशन नंबर टू दे दिया. और आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो माइनस वी ए डिवाइड बाई आर वन इज इक्वल टू वी ए माइनस वी नॉट डिवाइड बाई आर एफ. और यहाँ से मैं वी आउटपुट की वैल्यू निकाल लूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं करूंगा यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस वी ए डिवाइड बाई आर वन इंटू आर एफ इज इक्वल टू वी ए माइनस वी नॉट. देन इफ आई गो हियर टू फाइंड आउट वी नॉट, सो इट आई टेक वी नॉट दिस साइड एंड दिस वन दिस साइड, सो वी नॉट इज इक्वल टू वी ए प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर वन इंटू वी ए, एंड यू टेक द कॉमन फ्रॉम हियर वी ए and you get it just like the inverting amplifier RF by R1. Remember, यहाँ पे input होता था, यानी कि V A के बराबर होता था, तो V output कितने के बराबर हो गया? 1 plus RF divided by R1 into V A. तो आपको numerical solve करते वक्त जरूरत नहीं है इसको derive करने की, directly आप ये value put कर सकते हो equation number 3 का. अब इसके बाद यहाँ पे मुझे V A की value चाहिए, और VA की वैल्यू मुझे नहीं पता है कि VA की वैल्यू या VB की वैल्यू कितने के बराबर है. तो VB की वैल्यू निकालने के लिए अब इस नोड पे भी, नोड नंबर B पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं KCL, यानी कि अप्लाई, लुक एट आउट हियर, अप्लाई KCL एट नोड B. ओके, सो नोड B पे हम क्या लगाएंगे KCL, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, दो इनकमिंग करंट है आई एक्स प्लस आई वाई और आउट गोइंग करंट है जीरो, यानी कि इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 4. अब यहाँ पे आई एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में है? वी एक्स टू वी बी के बीच में. आई कैन राइट इट आउट वी एक्स माइनस वी बी डिवाइड बाई आर एक्स, इसके बीच में करंट रेजिस्टेंस आर एक्स है, प्लस वी वाई माइनस वी बी डिवाइड बाई आर वाई इज इक्वल टू जीरो. एंड वी नो दैट
कि हमें यहाँ पे निकालनी है वीबी की वैल्यू, बिकॉज अगर मुझे वीबी पता हो जाए तो हम यहाँ पे वी ए इजकल टू वीबी पुट कर सकते हैं और वी कैन फाइंड आउट द वी आउटपुट वैल्यू. सो लेट अस सी हियर. तो हम वीबी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एलसीएम के तौर पे. तो ये हो जाएगा वी एक्स इंटू आर वाई माइनस वी बी इंटू आर वाई प्लस वी वाई, अब आर एक्स से मल्टीप्लाई होगा ये, वी वाई इंटू आर एक्स माइनस वी बी इंटू आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस बोथ विल बिकम हियर जीरो. अब जो वी वी बी का टर्म है, जितने भी वी बी वाले टर्म है उसको एक साथ, और ये वी एक्स और आर वाई एंड वी वाई आर एक्स की वैल्यू को एक साथ, बिकॉज हमें यहाँ से वी बी कॉमन लेना है. तो अगर मैं वी बी को दोनों में माइनस है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हम लोग, तो वट आई कैन डू, ये वी एक्स आर वाई प्लस वी वाई आर एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं वी वी वाले टर्म्स को बाहर लेके चलता हूँ यहाँ से, यू कैन चेक यहाँ पे, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है वी बी, ये भी माइनस, तो इधर आके आ जाएगा वी बी आर एक्स प्लस आर वाई. इट मीन्स दैट वी बी इज इक्वल टू वी एक्स इंटू आर वाई प्लस वी वाई इंटू आर एक्स डिवाइड बाई आर एक्स प्लस आर वाई. यहां से वीबी की वैल्यू निकल गई, एंड वी नो दैट कि वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी एक्स इंटू आर वाई प्लस वी वाई आर एक्स डिवाइड बाई आर एक्स प्लस आर वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर यू कैन से थ्री वन, इक्वेशन नंबर वन से ये हो गया, इतना ये हो गया वी ए वी बी की वैल्यू. And now put this value in equation number 3. So equation number 3 में क्या equation है? V not is equal to 1 plus RF by R1 into VA. तो VA की value अगर मैं यहाँ पे put करता हूँ, so it becomes V output is equal to 1 plus RF divided by R1 into ये क्या होगा? VX आर वाई प्लस वी वाई आर एक्स डिवाइड बाई आर एक्स प्लस आर वाई. दिस इज द डिफरेंस नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का ये हो गया आउटपुट. नाउ ये जो इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया निकाला है, इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के पर्पस के, लेकिन तभी हम डायरेक्ट कर सकते हैं जब सिर्फ दो इनपुट होगा. अगर दो इनपुट होगा तो वोल्टेज डिवाइडर रूट डायरेक्टली लगा दीजिए. दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइडर रूट का मतलब ये वोल्टेज इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस वी एक्स इंटू आर वाई प्लस वी वाई इंटू आर एक्स डिवाइड बाई आर एक्स प्लस आर वाई. ये देखिए आप लोग, आपने निकाल रखा यहाँ पे वी एक्स इंटू आर वाई, यानी कि पहला वोल्टेज इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस प्लस दूसरा वोल्टेज इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. ये हो जाता है वोल्टेज डिवाइडर रूल. लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस है. अगर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस आएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको सॉल्व करने के लिए केसीएल इज द बेस्ट मेथड. ओके, सो एंड यहाँ पे मैं एक केस, क्योंकि अभी ये कम्प्लीटली समिंग एम्पलीफायर नहीं बनाया है, तो अगर मैं केस वन लिखूं जहां पे कि आर वन इज इक्वल टू आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई, यहाँ पे आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई दोनों बराबर हो जाए यहाँ पे, तो क्या होगा, तो यू कैन चेक इट आउट हियर. अगर आर एक्स इज इक्वल टू हम आर वाई करते हैं तो आई विल गेटिंग वी आउटपुट इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर वन, तो एज इट इज होगा यहाँ पे, और ये मिल जाएगा मुझे आर एक्स और आर वाई दोनों को कॉमन लेते हैं तो यह मिल जाएगा वी एक्स प्लस वी वाई डिवाइड बाई टू आर, अगर एक्स ही मानते हैं इधर भी तो यहाँ भी आर एक्स कॉमन हो जाएगा और ये मिल जाएगा. ओके, यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू वन प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर वन इंटू वी एक्स प्लस वी वाई डिवाइड बाई टू. अब अगर केस टू में हम देखें, यानी कि थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें इसको, यानी कि केस टू सबको बराबर कर देते हैं केस नंबर टू में, यानी कि आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू आर एफ इज इक्वल टू आर. सो वट विल हैपन हियर, यू कैन चेक दिस, ये आर वी आउटपुट इज इक्वल टू वन प्लस आर डिवाइड बाई आर, दैट मीन्स
2, here it becomes vx plus vy divided by 2. So this one is getting cancelled and v output is equal to just summation of this 2, vx plus vy. Now, if I ask you to just do the summing amplifier, सिर्फ आपको averaging amplifier करना है, सिर्फ तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को माइनस कर दो, यानी कि ये वन प्लस और ये वैल्यू हट जाए, यानी कि यहां से खत्म हो जाए, तो सिर्फ क्या मिलेगा वी एक्स प्लस वी वाई डिवाइड बाई टू। और ये तब कब हटेगा जब इसकी वैल्यू वन के बराबर आ जाए, वन के बराबर। इसकी वैल्यू वन के बराबर कब आएगी, यानी कि इस तरीके से हम करें कि इसका पूरा जो वैल्यू हो जाए वन के बराबर हो जाए, तो ये बन जाएगा एवरेजिंग एम्पलीफायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर और उसके सारे केसेस, स्टेप्स कैसे करना है हमें, सर्किट डायग्राम, इसके बाद सॉरी उसके डेफिनेशंस, सर्किट डायग्राम एंड देन उसका एक्सप्रेशंस। तो दिस, अगर आपको इसके ऊपर आगे वाले क्लासेस में हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे, बट आज की क्लास के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे ईमेल पे या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरी।